जानवी और सानिया कहाँ हैं? सानिया के मम्मी पापा तो उसे वैष्णो देवी ले गए और वो जानवी को अपने साथ ले गए। मुझे दुख नहीं चाहिए मम्मी, मुझे तो खुशी चाहिए। मेरा बच्चा, ओ जा मेरा बच्चा, बहुत अच्छा मेरा बच्चा। क्या पूरे एरिया की डिलीवरी करने का ठेका ले रखा है या सिर्फ मेरे घर की डिलीवरी करने का? किसी ने पैसे दिए क्या जासूसी करने के लिए? बताओ। रिया, सर को राजीव बच्चन से पता चला है। क्या रिया? हाँ। इस बुके के अंदर एक माइक है, दिस अ हिडन माइक, ढूंढ इसको। चेक करना। हाँ कर रही हूँ ब्रो, ये देख मिल गया। सुन बे, अगर तेरे को रेस्टिकेट नहीं होना है ना, तो मेरे को शांति से इस माइक की एंड्रॉइड ऐप का नेम बता और ये बता इसे मेरे को मेरे मोबाइल से कैसे इंटीग्रेट करना है। ओ बेटा जल्दी बता दे, वरना ना तेरे को जेल में भेज दूंगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। तेरे माँ बाप तो वैसे इतना अफसोस कर रहे तेरा पैदा होने पे, इंसल्ट तो इतनी हो चुकी है उनकी। लुक माइक प्रो, रुक जा। ठीक है, रीस्टार्ट करना है। रिया हाँ, उस माइक के साइड में एक छोटा सा होल है, उसके अंदर पिन डाल के रीस्टार्ट करना है 4-5 सेकंड्स के लिए। होल तो मिल गया पर पिन कहाँ है? ये ले। हाँ ऐप ओपन किया है, कर दिया रिसेट। हाँ ऐप डल गई है। वाईफाई? हाँ मेरा घर का वाईफाई भी चल रहा है यार। हाँ सिम डालो। इसमें सिम भी है? अच्छा ठीक है, एक नंबर है, मैं डालती हूँ। रिया हाँ, मैं दूर जा रही हूँ, तो इसमें कुछ बोल, मुझे देखना है, मेरे को सुनाई देता है यदि। ओके ओके चल, तो फोन काट अब, कुछ भी होगा तो मैं तेरे को कॉल करूंगी। 24 आवर्स, इसकी बैटरी 24 आवर्स चल। ठीक है ओके बाय। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर। क्या सड़ा हुआ गाना गा रही है वो, छोड़ बट इसमें से आवाज आ रही है, ये काम करता है? एक काम कर, तू इसको वापस बुके में डाल। ओके। 4 बज गए, मैं इसे सर को दे देती हूँ। डिसिप्लिन्ड है, परफेक्ट है, मेरे लिए भी अच्छा है। तू बुके को रेडी कर, मैं अपने आप को रेडी करती हूँ। कर रही हूँ ब्रो। ठीक है ठीक। आइए आपका। सॉरी सर, मेरा मतलब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दिया। गुड इवनिंग सर। अच्छा मल्लिका, मम्मी अंदर है क्या? नहीं सर, वो मासी के साथ शॉपिंग पे गई है। मल्लिका तो गुलदस्ता सर के लिए लाई थी ना, तो उनको दे दे। सर दिस इज फॉर यू, आपके रीबर्थ की खुशी में। ओके थैंक यू सो मच। अच्छा मल्लिका, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मम्मी कब तक आएगी? सर उन्हें तो लेट जाएगा, आप बताइए ना। अच्छा अच्छा लुक मल्लिका, रिया, मैथ कैनॉट लव विदाउट लॉजिक, आई कैन लव यू ओनली इफ यू लव मैथ। तो मैथ पे पूरा फोकस करना है। नेक्स्ट वीक मैथमेटिक्स के इंटरनल फन वीक्स है, एंड यू नो आई एम मैनेजिंग इट। दिल्ली के बेस्ट स्कूल से पार्टिसिपेशन आ रहा है, एंड आई विश मल्लिका यू होस्ट द फन वीक। और हाँ रिया, तुम हमारी वॉलंटियर्स टीम ज्वाइन कर सकती हो। लेट्स डू दैट। आई वुड लव टू सर। और आप चाय पियेंगे मैथ्स लॉजिक वाली? नो थैंक यू मल्लिका, एक्चुअली मेरी सोसाइटी में कुछ एक अर्जेंट मीटिंग है, तो मुझे तो वहां जाना होगा, तो मैं चलता हूँ। सर प्लीज बुके लेकर जाइए ना, जहाँ आप सोते ना उसे वहीं रखिएगा,
आपकी लैंग्वेज में बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी है मेरी इसमें। अच्छा ठीक है, मैथ्स के हिसाब से मैं इसको अपने पास ही रखूँगा, और हाँ अपनी मम्मी को मेरा हेलो बोल देना। चलता हूँ, बाय। बाय सर। बाय सर। चलो उस राजीव की वजह से मेरे गुरु रंधावा मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे सब मालूम पड़ जाएगा। ये तूने ठीक नहीं किया। तेरे मम्मी के फोन में जो ऐप है ना, वो ऑन करके देखते हैं ना। मैडम ये मेरे और मेरे गुरु रंधावा की बात है, आप इंटरफेयर मत करिए। गुलदस्ता भी संभालना पड़ेगा क्या? क्या क्या संभालूं? फूल तो काफी फ्रेश लग रहे हैं, पर अपनी लाइफ एकदम बासी है। इस साल आप वोटिंग दे, 5 साल के बाद ही क्यों आते हैं यार? अरे ये तो राजू की आवाज लग रही है। राजू की ही है, सर के साथ रहता है। छी यार कितना गिर गया सर का लेवल। अरे ये भी तो हो सकता है कि सर को राजू रास्ते में मिल गया होगा और सर ने गुलदस्ते को कचरा समझ के राजू को दे दिया होगा। नहीं, मेरे सर ऐसा नहीं कर सकते। अबे ये तेरा फिल्मी ड्रामा बंद कर। वैसे लोगों की बातें छुपकर सुनने में मजा तो आ रहा है। कब तक गधा मजदूरी करता रहूंगा? एक बार बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। कल दिल्ली में वोटिंग हो जाए, फिर मैं बाकी के पैसे लेकर गांव चला जाऊंगा। काफी ट्राई करने पर सिर्फ 480 आधार कार्ड ही बनवा पाया, पर नेक्स्ट टाइम बड़ा अमाउंट आधार कार्ड का और बड़ा पैसा मैं लेकर रहूंगा। फ्रॉड, नकली आधार कार्ड, वोटिंग। एग्जैक्टली। सुन, तेरे पास इस राजू का नंबर है ना, मुझे दे। नंबर तो नहीं लेकिन शायद उसने विजिटिंग कार्ड दिया था। ये रहा उसका विजिटिंग कार्ड, इस पर नंबर लिखा हुआ है। हेलो। हाँ मैं मल्लिका। हाँ राजू, वो तुम आज मेरे बाथरूम में पानी का प्रेशर फिक्स करने आए थे ना? हाँ हाँ। वो तुम बात कर रहे थे ना जॉब फिक्सिंग की? हाँ, वो एक्चुअली ना मेरे पापा का रेस्टोरेंट है तो उन्होंने वहाँ तुम्हारी जॉब फिक्स कर दी है। हाँ तो नहीं, वो सब तो पापा बता देंगे, पर तुम्हें ना अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होंगे। हाँ, आधार कार्ड। हाँ अभी तो तुम ओरिजिनली ले आओ, उसके बिना थोड़ी काम होगा। हाँ हाँ, जॉब फिक्स है, बस तुम घर आ जाओ। हाँ 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 हाँ, डोंट वरी। अबे ये क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? उसको बुला के क्या होगा, उसे तेरे पापा का नंबर दे दे। मुझे लगता है ना कि उसका आधार कार्ड नकली ही होगा। पर एक मिनट, वो तो कुछ वोटिंग डे की बात कर रहा था, मतलब वो इस नकली आधार कार्ड के बेस पे वोट डालने जाएगा। उसका वोट तो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को फायदा करा सकता है। कौन हो सकता है वो कैंडिडेट जिसको राजू वोट देके आएगा? वही तो पता करना है ना कि राजू नकली आधार कार्ड बनवाता किससे है, और अगर वो नकली बनवाता है तो मतलब वो इंडिया का नहीं है, और अगर वो इंडिया का नहीं है तो वो कहाँ का है? तू एक काम कर, सर को फोन कर, वो तुझे बता पाएंगे कि अगर नकली आधार कार्ड की गैंग को पकड़ना है तो नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी होगी। और बस टाइम भी बहुत कम है, बस आज की रात है क्योंकि कल वोटिंग है। मैं सर को कॉल करती हूँ। हेलो सर, डिस्टर्ब तो नहीं किया? बोलो मल्लिका, बोलो, कुछ काम था? सर वो जो बंदा आपकी गाड़ी वॉश करता है ना, जो हमारे यहाँ डिलीवरी भी देने आया था,
सर उसका आधार कार्ड नकली है। कौन राजू? हाँ हाँ वही राजू, वही वही। ओ शिट, पर ये तुमको कैसे मालूम पड़ा? सर वो आई एम सॉरी, जो बुके था उसके अंदर माइक लगाया था। वेरी स्मार्ट। सॉरी सर, बट आपने वो गुलदस्ता राजू को दे दिया जिसकी वजह से हम ये सब सुन पाए। पर देखो ये भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, काम करो इग्नोर करो उसको। सर बट मैंने उसे जॉब के बहाने से घर पे बुलाया है और वो आता ही होगा अपना आधार कार्ड लेकर। अरे पर ये सब करने की क्या जरूरत थी? सर आई थिंक वो आ गया है, मुझे डोर खोलना। सुनो मल्लिका, अरे ये क्या कर रही हो? अच्छा मैं आता हूँ, उससे ज्यादा सवाल जवाब मत करना ठीक है? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके सर। उसने काय देखो इतनी दारू पीने को, बैठा रह यहाँ शांति से। और मेरे को अपना आधार कार्ड दे। कहाँ है आधार कार्ड? देता हूँ मेरा आधार कार्ड कहाँ है भाई? आधार कार्ड। रिया मैंने इसके आधार कार्ड की फोटो सर को व्हाट्सएप कर दिया, वो अभी आते ही होंगे। तू मुझे ये बता तू अगर इंडियन नहीं है तो कहाँ का है तू? तेरे से बात कर रही हूँ। पूछ इससे, अबे क्या हुआ बोल, अगर तुझे मैडम से जॉब चाहिए तो तुझे सच बोलना पड़ेगा। मैडम वो बांग्लादेश। बांग्लादेश? तू फिर देख पास ये फेक आधार कार्ड कहाँ से आया? तू फिर चुप हो गए? अगर तुझे जॉब चाहिए तो तुझे सच बोलना पड़ेगा, बोल। सर वो आपके गुरु रंधवा सर है ना, उन्होंने ही बनवा के दिया। नहीं, अरे मेरा क्या, मेरे से हजारों बांग्लादेशियों को बना के देते हैं वो। सर ऐसा नहीं कर सकते रिया, ये झूठ बोल रहा है। सर हमारे स्कूल की टीचर है, वो ऐसा क्यों करेंगे? कितना झूठ बोलेगा वे तू सर के नाम पे? अरे मैडम क्या झूठ बोल रहे, स्कूल की सैलरी में होता ही क्या है? हाँ वो तो लाखों कमाते हैं, लाखों, खासकर ये इलेक्शन के टाइम में लाखों कमा रहे। अगर ये सच हुआ ना रिया, उस गुरु रंधावा को मैं नहीं छोड़ूंगी, पुलिस स्टेशन घसीट के ले जाऊंगी, सारा सच बुलवाऊंगी। और तुम शायद सर आ गए। अरे सर आप अंदर भी आ गए? दरवाजा क्या मेरे लिए खुला छोड़ा था? चलो सर, मम्मी घर पे नहीं है, वो शॉपिंग पर है। आप मुझे ये बताओ इसका आधार कार्ड आपने बनवाया? अरे इसको कुछ पैसों की जरूरत थी तो बना लिया मैंने। और सुनो सिर्फ इसका नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोगों का इलेक्शन कार्ड बनवाया मैंने पिछले 2-3 सालों में। तुम्हें पता है दिल्ली में 9,447 पोलिंग बूथ्स है और ये जिनके मैंने इलेक्शन कार्ड बनवाया ना, ये सारे लोग कल अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर अपना इलेक्शन वोट देंगे। ये तो गलत है ना सर, इतने सारे लोग अगर वोट देंगे तो एक पार्टी का फायदा होगा, वो जीत सकती है। ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। देश के लिए सही नहीं है? अरे देश ने हमने प्राइवेट स्कूल टीचर्स लोगों के लिए किया क्या है? 25,000 रुपए सैलरी, 25,000। और ये क्या चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट करें? अरे इतनी सैलरी में कुछ नहीं होता मल्लिका। जब देश ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो मैं क्यों सोचूं देश के लिए, क्यों सोचूं? तुम्हें पता है तुम्हें एक वोट का कितना मिलता है मुझे? 1,000 रुपए, 1,000 रुपए एक वोट के मिलते हैं। और कल मैं 1 लाख से भी ज्यादा वोट करवा के रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, तुम भी नहीं। अच्छा तो तुम रिकॉर्ड कर रही थी? हाँ रुको।
क्यों हैरा है इतना ये बता, क्यों ऐसे है ठहरा, चल जरा चटक चटक के टूट रहे हो जब सांसों के तार, भटक भटक के मन का पंछी मारे सर दीवार, तो बांध के उसको खूंटे से जोड़ दे टुकड़े टूटे से, अरे बांध के उसको खूंटे से जोड़ दे टुकड़े टूटे से, नजरें तरसे कब तक बरसे यार।